नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में अम्बाला में भी भारतीय किसान यूनियन के जिला उप प्रधान की अध्यक्षता में अम्बाला कैंट शाहपुर में अम्बाला दिल्ली व अमृतसर ट्रैक को जाम किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर मैट बिछाकर बैठ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं था और इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी भारी मात्रा में मौजूद रहा। जहां ट्रैफिक डीएसपी का साफ तौर पर कहना था कि शांति भंग करने वालों को पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं भारतीय किसान यूनियन के उप प्रधान गुलाब सिंह ने रेल रोको आंदोलन के शांतिपूर्वक सफल होने पर सभी किसानों, प्रशासन व रेलवे के अधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने यात्रियों का भी धन्यवाद किया जो किसान आंदोलन के चलते 4 घंटे लेट हुए। उन्होंने आगे भी शांतिपूर्वक आंदोलन को चलाने की बात कही और प्रशासन के साथ तालमेल मिलाकर रखने की बात भी कही। उन्होंने यात्रियों से भी माफी मांगी जो इस आंदोलन के चलते 4 घंटे लेट हुए। उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये उनका भी आंदोलन है। किसान मजदूर एकता, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, कोई बात। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, यूथ किसान यूनियन, यूथ किसान यूनियन, यूथ किसान यूनियन, किसान एकता करता है, बंदे से नहीं डरता है, किसान एकता करता है, बंदे से नहीं डरता है, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। नौजवान साथी और किसानों को बेनती की है कि हमारी कहीं आंदोलन में कोई ऐसी बात ना हो जहां कोई वायलेंस हो और हमें प्रशासन के सामने आंख नीची करनी पड़े। ऐसा हमने और नौजवान किसानों ने सबने गुलाब सिंह जी को और सारी जथेबंदी को विश्वास दिलाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा दिख भी नहीं रहा। पुलिस मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी पर खड़ी है और कानून और शांति व्यवस्था कायम रखी जाएगी। किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। एक्शन लिया जाएगा, जैसी भी इसी परिस्थितियाँ होंगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखो जी, जैसे पहले हमने रोड जाम की थी वो भी महाराज सकता जाम रहा था, आज ये 4 घंटे का रेल चक्का जाम है, ये भी बहुत ही सख्ता सुन रहा है। मैं अपने प्रशासन का, अपने पुलिस का और रेलवे के अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे किसानों का, स्पेशली नौजवानों का जिन्हें बहुत ही अनुशासन में रहकर इस 4 घंटे के रेल चक्का जाम को अंजाम दिया है, मैं इनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वे आगे भी जब भी हम कोई भी आंदोलन करेंगे, हम प्रशासन से, सरकार से हम वादा करते हैं कभी भी हम अनुशासन के बाहर जाकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ये हमारा धर्म है। आज मैं वैसे से दावे से कहता हूँ, यहाँ पर खड़े हुए पेड़ का पत्ता भी किसी किसान ने नहीं तोड़ा और तो क्या नुकसान करना। देखो, जिन यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुँचने के लिए 4 घंटे की देरी हुई है, मैं उस देरी के लिए अपने उन यात्रियों से क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारी वजह से उनको थोड़ी परेशानी जरूर आई है, लेकिन ये जो आंदोलन है ये किसान का है, वो यात्री भी इस आंदोलन का हिस्सा है।
उनके लिए भी हम ये लड़ाई कर रहे हैं। ये किसान की लड़ाई नहीं, ये जन 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 की लड़ाई है, सारे देश की लड़ाई है। ये इसीलिए मैं उनसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ, जिनकी जिनको हमारी वजह से चार घंटे वेट कर। हमें सर पहुँची है जी, हमें जाना है, अभी बीबी बच्चे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, अभी ट्रेन है नहीं, अभी आ नहीं रहे, अभी हमें घर जाना है, अभी ट्रेन भी पकड़ना है, कैसे जाएंगे हम? जल्दी से जल्दी से जल्दी जितना ख़त्म हो जाएगा अच्छा है, आम जनता परेशान नहीं होंगे, जैसे अभी जल्दी ख़त्म करना चाहिए सरकार इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, ज़्यादा ही मुश्किल है, ये सरकार को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, अभी भी बच्चे हैं साथ में, कैसे जाएंगे? हम मनोज कुमार है जी, मैं हाजीपुर से बैठा हूँ लुधियाना के लिए जी। हाँ जी, लुधियाना से मेरे को जाना है ताजपुर, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। देखो कि डेढ़ घंटा से बैठा हूँ यहाँ पे, बैठ बैठ के अब गुजारा कर रहा हूँ, क्या करूँ, कब तक देखो करता है जाता है, कब तक ट्रेन है, उधर बोल रहा है सब गाड़ी भी नहीं चल रहा है दूसरा कि उससे मैं जाऊँ। हाँ जी, परेशानी क्या, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई इमरजेंसी में आना जाना हो कि किसी की सेहत क्या है क्या नहीं, बच्चे तक हर तरह से परेशानी है, इसमें कहने की क्या बात है। सरकार से क्या मांग, हम तो यही कहना कि भाई इसमें हम पीस रहे थे, दोनों तरफ से पीस रहे, हमें हमारा तो कोई वो ही नहीं है, तो आमने सामने बैठ के उनको अपना मसला निकालना चाहिए, इसमें जनता पीस रही, जनता का क्या भला है इसमें, नहीं इसमें तो हमारे तरह से दोनों समझ दोनों के सहमति से ही कोई काम होगा ना, तो उनको आपस में इसमें जनता को बीच में लाने का कोई मतलब तो नहीं बनता है। हमें तो दोनों बराबर ही, जो हमें खुश रखेगा, जनता जिसे खुश देखती है, हमारा भला सोचती है, हम उसी को निचानते हैं, इसमें तो किसी का कोई वो है नहीं। यहाँ तो 12 बजे से ही खड़े हैं, और बताइए इतने सफर से आया था कि हर एक इमरजेंसी किस हालात में है, हमें हमें तो ऐसा बताइए। क्या नाम है आपका? ये हमारा शांति देवी है। कितनी परेशानी? मेरा नाम सोनिया मिश्रा, मैं हम लोग कल शाम के ही घर से चले हुए हैं गोंडा से, लेकिन यहाँ पे 12 बजे से ट्रेन रुकी हुई है, परेशानी काफ़ी हो रही है, छोटी सी बच्ची है, तबीयत भी ख़राब है, चलना चाहिए, सरकार को बातचीत करके हल निकालना चाहिए, परेशानी पब्लिक को हो रही है। अब तक हम लोग केवल सुन रहे थे कि हाँ लोग परेशान हो रहे हैं, जब हमारे ऊपर गुजर रहा है तो हमको पता चल रहा है कि हाँ कितनी परेशानी में लोग हैं। किसको शुरुआत मानते हैं, सरकार को या किसानों को? अब ये तो सरकार को भी बातचीत करके दोनों से समाधान करना चाहिए, शुरू में कानून बनाने से पहले ही सोचना चाहिए था, आपस में सहमति से बनाना चाहिए था, आज ये नौबत नहीं आनी होती, आज हमारे ऊपर जब खुद गुजर रही है तो हमें पता है हमारे बच्ची भूखी प्यासी, उसकी तबीयत भी सही नहीं है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी परेशानी है हम लोगों को और सभी को हो रही है, पता नहीं कितने लोग आज कितनी ट्रेनें रुकी हुई होंगी, पता नहीं कितने लोग परेशान होंगे। रेलवे की तरफ से कोई आपको सूचना दी गई है कि कब तक हमें? 4 बजे चलेगी शायद, ये सुना है शायद अनाउंसमेंट हुई थी, हमारे हस्बैंड ने सुना था कि 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा ट्रेन, रुकी रहेगी।